ओम नमः शिवाय। प्रभु जी आज की यात्रा है रत्नावली शक्तिपीठ तथा घंटेश्वर महादेव की, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आइए आप और हम चलते हैं इस यात्रा पर। यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां ठहरें, समय कितना लगेगा, क्या खर्चा आएगा, मंदिर की महात्मा क्या है, इन सभी की जानकारी समझते हैं इस वीडियो में। तो प्रभु जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। कब जाएं, यहां आप साल भर जा सकते हैं, परंतु उपयुक्त समय की बात करें तो यह अक्टूबर से मार्च का होता है। यहां दुर्गा पूजा तथा काली पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आप यहां बाय एयर भी आ सकते हैं। इसका नजदीकी एयरपोर्ट है दमदम एयरपोर्ट कोलकाता का, जहां से मंदिर की दूरी 78 किलोमीटर है, जिसे आप बस एवं टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो हावड़ा होते हुए आप आरामबाग स्टेशन पर आ जाइए। यहां से खानाकुल की दूरी 23 किलोमीटर है, जो आप 1 से 1.5 घंटे में तय कर देंगे। बस वाला 60 रुपए लेता है। आप खानाकुल बस स्टैंड पर उतर जाइए। यहां से मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो या रिक्शा से जा सकते हैं। बेहतर होगा आप ऑटो बुक कर लीजिए अप एंड डाउन दोनों के लिए। यह आपसे 100 या 150 रुपए चार्ज करता है। प्रभु जी यदि आप बस से आते हैं तो कोलकाता हुगली तथा वर्धमान से रत्नावली शक्तिपीठ के लिए आसानी से बस मिल जाया करती है। आप रहने की बात करें, ठहरने के लिए यहां कुछ खास व्यवस्था नहीं है। आप हावड़ा में ही ठहर सकते हैं, जहां आपको 800 से 1000 रुपए में गेस्ट हाउस एवं होटल मिल जाएगा। यह स्टार्टिंग रेट है प्रभु जी। आप 2000, 3000, 4000 आप जहां तक चाहें, जिस रेंज का होटल चाहें, हावड़ा में मिलता है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से अपनी होटल ऑनलाइन या ऑफलाइन हावड़ा में ही बुक करवा लें, यदि आप दूर दराज इलाके से आते हैं। यदि आप नजदीकी क्षेत्र से आते हैं तो उन्हें सब कुछ पता होता है और कोई होटल की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या खाना खाएं, यहां लोकल बंगाली फूड खा सकते हैं आप, जो 80 से 100 रुपए में आपको हो जाता है। एवं यहां इस मंदिर में रत्नावली शक्तिपीठ में सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही भोग लगता है, जिसे आप खा सकते हैं। और यदि आप फिर भी हर दिन भोग खाने का आनंद लेना चाहते हैं, यानी आप जब चाहें जब खाएं, तो इसके लिए इस रत्नावली मंदिर दर्शन के उपरांत हम आसपास के क्षेत्र चलेंगे। वहां पर प्रतिदिन भोग होता है, वहां कैसे खाएं यह हम आपको आगे बताएंगे। प्रभु जी अब भाषा की बात करें तो यहां बंगला तथा हिंदी आसानी से बोला जाता है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मंदिर दर्शन को चलते हैं। जब तक दर्शन की तैयारी करें, मंदिर की थोड़ी महात्मा समझ लेते हैं। प्रभु जी रत्नावली शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में खानाकुल क्षेत्र के अंदर कृष्णा नगर गांव में स्थित है। इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। यहां माता सती का दाया कंधा गिरा था। यहां माता सती को कुमारी तथा भैरव को घंटेश्वर के रूप में पूजा जाता है। पहले घंटेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तथा बाद में रत्नावली मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर के वास्तविक स्थान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इसे चेन्नई या छत्तीसगढ़ में मानते हैं, पर ज्यादातर लोग इसे इसी स्थान पर मानते हैं। मंदिर के पीछे रत्नाकर नदी है, जो अब लगभग लुप्त प्राय हो गई है। यहां बलि प्रथा अब भी चालू है। प्रभु जी यह मंदिर आनंदमय शक्तिपीठ, रत्नावली शक्तिपीठ, देवी कुमारी शक्तिपीठ तथा घंटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप यदि यहां आने में दिक्कत हो रहा हो तो घंटेश्वर महादेव यहां बहुत प्रचलित है, आप कह दीजिए। मंदिर के परिसर में ही
रत्नावली भी मंदिर है, आप आसानी से आ जाएंगे प्रभु जी। अब दर्शन करने को चलते हैं। दर्शन के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एवं साय के 5:30 बजे से रात्रि के 9 बजे तक होता है प्रभु जी। स्नान सामने एक तालाब है जहां आप कर सकते हैं। कहा जाता है इसमें स्नान करने से रोग दूर हो जाता है, अन्यथा आप होटल या गेस्ट हाउस में कर सकते हैं, और यदि लोकल हैं तो आप अपने घरों से ही स्नान करके आइए। बैग और फोन यहां अलाउड है। प्रसाद दुकान से ले लीजिए एवं जूता वहीं उतार दीजिए। आइए आप माता दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं। यहां माता को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हैं। मिठाई एवं फूल से माता की पूजा होती है। यहां देवी को कुंवारी एवं काली माना गया है, अतः सिंदूर चढ़ाना वर्जित है। तन तथा मन को स्थिर कर लीजिए। माता की पूजा आराधना मन से कीजिए प्रभु जी। माता के पूजा उपरांत घंटेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। यहां विशेष पूजा करने के लिए आपको मंदिर कार्यालय से रसीद कटाना आवश्यक है। यहां विशिष्ट पूजा भी दिया जाता है। घंटेश्वर महादेव के सामने राधा गोविंद विशालक्षी मंदिर तथा अन्नपूर्णा मंदिर है। अन्नपूर्णा जी के साथ भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु जी भी हैं। नट मंदिर में तस्वीर के द्वारा पौराणिक कहानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। आप इनको भी देखिए। इन सभी मंदिर का दर्शन प्राप्त कीजिए। इनके दर्शन उपरांत आसपास के दर्शनीय स्थल हैं, वह है गोपीनाथ मंदिर तथा राधा बल्लभ मंदिर। यह 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे ऑटो या रिक्शा के द्वारा पहुंचा जा सकता है। गोपीनाथ मंदिर, यहां भोग के लिए आपको कूपन कटाना होता है, जिसका शुल्क 80 रुपए है। प्रभु जी, मैंने स्टार्टिंग में भी बात किया था, आपको भोग की बात बताएंगे। यह वही भोग स्थान है, यहां प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। आप यहां भोग की पर्ची कटवा लीजिए, मात्र 80 रुपए का शुल्क है। आप यहां दाल चावल सब्जी पापड़ चटनी इत्यादि खा सकते हैं भोग में, और भोग खाने का समय है 1:30 बजे से 2:30 के 2:30 बजे तक। प्रभु जी, इस प्रकार यदि आपको भोग खाना हो तो ऑफिस कार्यालय में आप कूपन अवश्य कटवा लीजिएगा। अब इनके सामने ही है गोपीनाथ मंदिर जी का, आप पहले दर्शन कर लीजिए। और गोपीनाथ मंदिर के सामने ही राधा बल्लभ जी का मंदिर है, आप उन्हें भी दर्शन कीजिए। राधा बल्लभ जी मंदिर, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में किया गया था। गोपीनाथ मंदिर तथा राधा बल्लभ मंदिर परिसर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है प्रभु जी। इस प्रकार आपके रत्नावली शक्तिपीठ, घंटेश्वर महादेव तथा गुप्त वृंदावन की यात्रा पूर्ण होती है। आप यहां से अपने घर को लौट सकते हैं, अथवा नेक्स्ट डे के लिए आप रात्रि विश्राम करके प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट डे देखने के लिए सबसे उत्तम जगह है तारकेश्वर मंदिर। यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसकी दूरी 62 किलोमीटर है। आप जा सकते हैं या घर को लौट सकते हैं, जैसा आप चाहें प्रभु जी। हमने दोनों प्रकार से आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस यात्रा में कितना समय लगा। इस यात्रा में प्रभु जी, हावड़ा से आना, रत्नावली एवं घंटेश्वर महादेव का दर्शन करना तथा गोपीनाथ राधा बल्लभ दर्शन के साथ वापस हावड़ा को लौट जाना, इसमें सिर्फ एक दिन लगेगा प्रभु जी। बात खर्चा की करें तो एक सामान्य यात्री को 1500 रुपए के आसपास खर्चा आएगा। आशा करते हैं आप सभी को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज कमेंट्स में जय माता जी लिखिएगा। यदि कोई संशय हो तो प्रश्न भी कीजिएगा, तथा सिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्रभु जी। ओम नमः शिवाय।